नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक अभिनेता के काम से लगता है कि कई नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। कोई महात्मा वाला तंज मारने के साथ ही कहता है कि इस सियासी पिक्चर का डायरेक्टर कोई और है, तो कोई कहता है कि उन्हें 2024 का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता सोनू सूद की, जिनके राहत कार्यों से शिवसेना नेता संजय राउत तो चिड़े ही हुए हैं। लगता है कि अब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के पेट में भी दर्द होने लगा है। इसलिए गरीब प्रवासियों की मदद कर रहे सोनू सूद की तारीफ करने के बजाय ट्वीट कर उन पर तंज मार रहे हैं और कह रहे हैं, सोनू सूद को 2024 का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देना चाहिए, क्योंकि भाजपा में उनसे ज्यादा दयालु महापुरुष और कोई नहीं है। तो कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के इस ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, कांग्रेस अपनी नई मूर्खता की ओर, ना ही सोनू ने और ना ही भाजपा ने उसे अपना सदस्य या प्रतिनिधि बताया है। कांग्रेस और शिवसेना उसे जबरन भाजपा प्रवेश करवा कर सारा श्रेय भाजपा को देना चाहती है। कांग्रेस ना जनहित का कार्य करेगी, ना ही किसी को करने देगी। हैरानी की बात यह है कि शिवसेना नेता संजय राउत और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम सोनू सूद को बीजेपी का एजेंट बताने पर तुले हुए हैं, जबकि इन्हीं दोनों नेताओं की पार्टी की महाराष्ट्र सरकार सोनू सूद की मदद करने का आश्वासन दे रही है। बहरहाल, इन सियासी बयानबाजी से बेखबर मातोश्री से निकले सोनू सूद ने भी कह दिया है कि जब तक आखिरी प्रवासी घर तक नहीं पहुँच जाता, मैं मदद करता रहूँगा।